हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाकर हमला कर दिया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी का बयान सामने आया है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने इस वक्त बयान जारी किया है। ANI ने बयान जारी किया है कि आजाद जी का यहाँ पर कहना है कि जो गोली मारने वाले लोग थे उनको मैं ठीक से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे लोग थे उन्होंने उनको अच्छे से देख लिया है और उनको पहचान भी लिया है और जल्द ही आपको बता देंगे कि उनका हुलिया क्या था। ये चंद्रशेखर जी के खुद के स्टेटमेंट है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि चंद्रशेखर जी ने खुद कहा है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इस वक्त चंद्रशेखर देवबंद के गांव में है। वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है GSO है, उसके अंदर चंद्रशेखर मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद को इस वक्त भर्ती कराया गया है और चंद्रशेखर आजाद के इस वक्त इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है। पुलिस को यह जानकारी दी है, देते हुए कहा है कि मुझे तो पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन गोली मारने वाले लोगों को मेरे लोगों ने पहचान लिया है कि कौन कौन अपराधी थे, किस किस ने हमला किया है, इस बात की हमें जानकारी मिल चुकी है। ये चंद्रशेखर आजाद का स्टेटमेंट पुलिस को दिया है। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर अभी बिल्कुल होश में है, बल्कि जो है एक गोली आजाद के पेट को छू कर निकली है। ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को गोली जरूर लगी है, जो कि चंद्रशेखर आजाद के आगे की सीट पर बैठे हुए थे और गोली सामने से चली। तब चंद्रशेखर आजाद उस वक्त या तो इधर उधर हो रहे थे, जिसके कारण गोली पेट से सूकर सीट दी। आपको बता दें कि सीट के आर पार निकल गई है। अगर चंद्रशेखर आजाद सीट के बीच में होते, सेंटर में होते, तो गोली उनके पेट में ही लग सकती थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है। चंद्रशेखर को गोली लगी है, वो कमर के ऊपर साइड में लगी है, जिसकी वजह से वह पेट को चूक कर निकल गई है। और ये चंद्रशेखर आजाद पर पहली बार हमला नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा जब मदन भैया का मामला हुआ था, जब रालोद का मदन भैया जीते थे, तब चंद्रशेखर और मदन भैया एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तब भी चंद्रशेखर पर हमला हुआ था। फिलहाल उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले को लेकर SSP सहारनपुर ADG ने फोन पर घटना की जानकारी ली है। इस वक्त आजाद को देवबंद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल आजाद की तबीयत काफ़ी स्थिर है। चिकित्सकों ने बताया है कि खतरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल से इस वक्त देहरादून या लखनऊ शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। और सहारनपुर की पुलिस भी पूरी तरह से मस्तैर हो गई है, लगातार हमलावरों की तलाश की जा रही है। जानकारी मिली है कि हरियाणा राज्य की गाड़ी है जो गोली मारने वाले आए थे कार से बदमाश, और आते ही दो तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब सहारनपुर के देवबंद में मौजूद थे, तभी कार से आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल आजाद की तबीयत बहुत अच्छी है और हमारा आग्रह है कि पूरे देश में जितने भी लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बहुजनों का, दलितों का, इस देश के शोषित, वंचित और जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उन सब परिवारों की दुआ है भाई साहब के ऊपर उनको कुछ नहीं होगा। ये कमीने कुत्ते आज से नहीं, कई सदियों से ऐसा करते आए हैं। हमारे तमाम महापुरुषों के साथ अन्याय व अत्याचार हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे अपने परिवार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।